तो दोस्तों आज जो मैं आप लोग को चैनल आइडिया देने वाला हूं, इस चैनल पर मात्र आपको 10 से 15 वीडियोस जो है आपको डालनी है, ठीक है। 10-15 वीडियो आप लोग अपलोड करोगे तो 10 से 15 वीडियोस डालने के बाद ही आप लोग का चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा और आप लोग यहां से अर्निंग भी करना चालू कर दोगे। क्योंकि यहां पर देखिए, मैंने इस चैनल को ओपन करके रखा है, जो चैनल आइडिया मैं आपको देने वाला हूं यहां पर मैंने इसी चैनल को देखिए ओपन करके रखा है। और यहां पर देखिए, मात्र इन्होंने 33 वीडियोस जो है अपने चैनल पर डाली है और मात्र 33 वीडियो पर इनके चैनल पर सब्सक्राइबर देखिए लगभग 5 मिलियन, यानी कि लगभग 50 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। तो देखा आपने इस चैनल पर ग्रोथ कितनी है, कम वीडियोस आप डालो और आपको ज्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे और व्यूज भी आपको भर भर के मिलेंगे, ठीक है। आप लोग अगर डेली काम करना चाहो तो ठीक है, अगर डेली काम नहीं भी करोगे तो भी अगर आप लोग अल्टरनेट या हफ्ते में एक वीडियो भी डालोगे ना, तो भी आप लोग का जो है व्यूज भर भर के आने वाला है, मिलियन में व्यूज आने वाला है और आप लोग की अर्निंग भी अच्छे खासे होने वाली। यहाँ पर अगर मैं आपको इस चैनल की अर्निंग दिखाऊं तो यहाँ पर नीचे देखिए आप लोग इस चैनल की अर्निंग भी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग, यानी कि एक महीने में ये अपने इस चैनल से कितना कमा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम एक है 4.1K और मैक्सिमम देखिए 2 अर्निंग है। तो अगर हम लोग मिनिमम अर्निंग को भी काउंट करें ना, तो 4.1K डॉलर यानी कि लगभग $4,000 होता है और $4,000 बहुत होता है, ठीक है। इंडियन रुपीज में अगर कन्वर्ट करें तो कितना होता है, यहाँ पर मैं आपको इंडियन रुपीज में भी कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ गूगल में और यहाँ पर जो है इस समय जो $1 का प्राइस कितना है यहाँ पर हम चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम डालते हैं $2INR, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाल दिया और यहाँ पर जो है इस समय $1 का प्राइस चल रहा है, देखिए 82.45, यानी कि यहाँ पर $1 का प्राइस ये चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनकी मिनिमम अर्निंग कितनी थी इस चैनल की, $4.1K, यानी कि लगभग इसको $4,000 मान लो, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर $4,000 को लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने $4,000 लिख लिया, तो यहाँ पर आप लोग इनकी अर्निंग देखिए 3,29,812 रुपए, ये है इनके एक यूट्यूब चैनल की अर्निंग। और इस चैनल पर ये ज्यादा वीडियो नहीं डालते, ज्यादा मेहनत नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में या कहीं 10 दिन बाद एक वीडियो डालेंगे और उस वीडियो पर मिलियन में व्यूज आएगा। इसी वजह से इनकी जो अर्निंग है 3 लाख से ऊपर है, तो आराम से 4 से 5 लाख रुपए कमा रहे, क्योंकि ये इनकी मिनिमम है, तो इससे ये कम से कम 3 गुना ज्यादा ही कमा रहे 100% गारंटी के साथ। तो इस तरह का चैनल आप लोग भी क्रिएट करके आप लोग भी अपने यूट्यूब चैनल से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, जैसे यहाँ पर ये भाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका चैनल देखना आप लोग, मात्र 33 वीडियो ने डाली, ऊपर देखिए मात्र 33 वीडियो पर 5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हैं। तो इस टाइप का चैनल आप लोग भी क्रिएट करोगे तो आप लोग भी पैसा कमा लोगे। तो मैं आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में बताऊंगा कि आप लोग को कंटेंट कैसे बनाना है, वीडियो कैसे मतलब एडिट करना, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले चैनल की अर्निंग दिखा दी, ग्रोथ दिखा दी, अब मैं आपको चैनल दिखाता हूँ कैसा चैनल है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको लेके जाता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आ गया हूँ यूट्यूब पर और यहाँ पर देखिए मैंने चैनल जो है ओपन करके रखा। आप लोग यहाँ पर साइड में देखिए नाम पढ़ लीजिए, टाइन मतलब टीनो किड्स टीवी ये चैनल, और यहाँ पर देखिए 50 लाख लगभग 5 मिलियन के आसपास जो है सब्सक्राइबर हैं। और इस चैनल पर आप लोग वीडियो देखिए, मात्र इन्होंने 33 वीडियो डाला है, ठीक है। और इसी चैनल की मैंने आपको अर्निंग अभी दिखाई थी, जो कि लगभग $4,000 यानी कि लगभग 3 लाख से ऊपर अर्निंग है जो इस चैनल की है। तो इस चैनल पर आप लोग देखो कम वीडियोस हैं और सब्सक्राइबर देख रहे हैं आप लोग लगभग 5 मिलियन के आसपास है। तो इस टाइप का चैनल, और मैं आपको बता दूं ये जो चैनल है एक तरह से किड्स चैनल है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि यार किड्स चैनल देखेगा कौन, तो मैं आपको बता दूं यूट्यूब पर 80% जो ऑडियंस है वो बच्चों की है, ठीक है। किड्स यानी कि बच्चे ज्यादा है यूट्यूब पर। तो अगर आप लोग इस टाइप का चैनल बनाओगे तो इस टाइप की आपकी वीडियो पर भर भर के व्यूज भी आएंगे, क्योंकि किड्स चैनल पर व्यूज भर भर के आते हैं। अगर आप लोग जैसे कोई और चैनल पर काम करोगे, आप व्लॉगिंग करोगे, आप कुछ भी करोगे, डेली एक वीडियो डालोगे, तो यहाँ पर आपको डेली वीडियो डालने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में अगर महीने में एक वीडियो डाल दोगे ना, तो आपकी उन डेली वीडियो के बराबर व्यूज आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एक वीडियो पर व्यूज आप लोग यहाँ पर देखिए भर भर के। मैं आपको व्यूज दिखाता हूं, एक महीने पहले देखिए डालिए 6.8 लाख, 2 महीने पहले देखिए 6.6 लाख, 5 महीने पहले 5.5 लाख, 8 महीने पहले 20 लाख, 11 महीने पहले 60 लाख, देख रहे हैं इनके एक एक महीने में जो वीडियो डालते हैं उसका कितना ज्यादा व्यूज भर भर के आता है। आप लोग डेली वीडियो डालोगे 1,000-2,000 व्यूज आएंगे, किसी और कैटेगरी में काम करोगे, लेकिन इस कैटेगरी पर काम करोगे तो आपको एक महीने में ही आपको भर भर के व्यूज मिल जाएंगे। और अगर आपको मैं मोस्ट पॉपुलर वीडियो दिखाऊं, तो मैं इनकी मोस्ट पॉपुलर आपको वीडियो दिखाता हूं, तो आप लोग भी हैरान हो जाओगे व्यूज देखकर। यहां पर देखिए इनकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो पर
तीन साल पहले देखिए 26 करोड़ व्यूज, यहाँ पर देखिए 20 करोड़, यहाँ पर देखिए 14 करोड़, 9.7 करोड़, 9.5 करोड़। ये वीडियो जो है इनकी सर्च में चल रही, रैंकिंग में चल रही, और इसी वीडियो की वजह से इनकी अर्निंग लाखों में है, क्योंकि इस वीडियो, ये वीडियो पर डेली लाखों में व्यूज आ रहे हैं, और जो वीडियो डाल उस पर तो व्यूज आ ही रहे हैं। तो इस तरह से जो है इनका चैनल है, ठीक है, और ये किड्स चैनल है, बच्चों का चैनल है, और यहाँ पर मैं आपको कंटेंट दिखाता हूँ किस टाइप का कंटेंट बनाते हैं। जैसे यहाँ पर रिसेंटली इन्होंने एक महीना पहले वीडियो डाली, ठीक है, तो इस वीडियो को मैं प्ले करता हूँ, आप लोग देखिए। यहाँ पर देखिए ऐड चल रही है, यानी कि ये चैनल मोनेटाइज भी होते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है ये किड्स चैनल मोनेटाइज होते हैं कि नहीं होते, तो मैं आपको बता दूं किस चैनल मोनेटाइज होते हैं, 100% होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा काम करना पड़ेगा, वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग ऐसी वीडियो कैसे बना सकते हो, ऐसा चैनल कैसे बनाकर अपने मतलब अपने चैनल से अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ऐड को स्किप करता हूँ, और यहाँ पर देखिए आप लोग इनका कंटेंट देखिए किस टाइप का है, मतलब एक तरह से गेम यहाँ पर जो है ये खेलना है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे होंगे साइड में एक तरह से मिट्टी खोदने या कोई जैसे जेसीबी मशीन आती है, तो उस टाइप का यहाँ पर देखिए गेम है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से सिर्फ गेम प्ले हो रही, बस गेम प्ले हो रही, और यहाँ पर इन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रखा है या तो वॉइस ओवर कर रखा है। यहाँ पर मैंने आवाज को म्यूट कर दिया जिससे कॉपीराइट क्लेम ना आए। तो अभी मैं आपको सारी चीज बताऊंगा कि आप लोग को कैसे जो है वीडियो को एडिट करना है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको गेम की वॉइस नहीं रखनी, यहाँ पर इन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रखा और यहाँ पर यह वॉइस ओवर कर रखा होगा, ठीक। तो इस तरह से देखिए, और ये वीडियो देखिए कितने मिनट की है, 3 मिनट की वीडियो है, और वीडियो में कुछ नहीं, बस यही है सिर्फ और सिर्फ कि इस तरह से गेम खेल रहे हैं, बस यहाँ पर जो है गेम प्ले हो रहा है। और इस टाइप की वीडियो पर आप लोग देखिए व्यूज अच्छे खासे आ रहे हैं, तो इस टाइप के चैनल जो है मोनेटाइज होते हैं, क्योंकि ऐड चल रही तो आप लोग को पता ही मोनेटाइज होते हैं। और यहाँ पर नीचे थैंक्स का ऑप्शन होता तो मैं आपको दिखाता, लेकिन थैंक्स का ऑप्शन इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि ये किड्स चैनल है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, ठीक है, ट्राई यूट्यूब किड्स। तो मैं आपको बता दूं किड्स चैनल पर जो है थैंक्स का ऑप्शन इनेबल नहीं होता, ठीक है। चैनल तो मोनेटाइज हो जाता है लेकिन थैंक्स का ऑप्शन इनेबल नहीं होता है, तो ये किड्स चैनल है इसलिए इस पर थैंक्स का ऑप्शन नहीं है। किड्स चैनल नहीं होता ना तो थैंक्स का ऑप्शन होता, तो ये चैनल मोनेटाइज है, ठीक, गारंटी कह रहा हूं ये चैनल मोनेटाइज है, और इस टाइप का कंटेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लिया सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक गेम खेल रहे, और गेम खेल कर अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, और इनके चैनल पर देखिए हर एक वीडियो पर लाखों में व्यूज है। तो इस टाइप का ये चैनल है, मात्र 33 वीडियो पर 5 मिलियन के लगभग 50 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है। तो यहाँ पर मैंने आपको चैनल दिखा दिया, चैनल की अर्निंग दिखा दी, और चैनल ग्रोथ दिखा दी, सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी। अब इस टाइप का चैनल आपको बनाना कैसे है, ठीक है, यानी कि इस टाइप की वीडियो आपको कैसे क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक गेम को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा गेम आपको खेलना है, ठीक है। आपको जाना है प्ले स्टोर पर, ठीक है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, और आपको यहाँ पर एक सर्च करना है, क्या कहते हैं, इस तरह से आपको जो है आपको एक क्या कहते हैं इस तरह से लियो एंड कार्ड्स, आपको मैं गेम बता देता हूँ, ठीक, इस तरह से जो है एक गेम को आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है, ठीक। ये वाला गेम आप लोग नाम पढ़ लीजिए, यहाँ पर नाम पढ़ लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये गेम जो है इसको आपको प्ले स्टोर पर सर्च करके इसको जो है आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। प्ले स्टोर से आपको ये गेम डाउनलोड कर लेना है, ठीक। अब ये गेम डाउनलोड करने के बाद इसको आपको खेलना है, और आपको जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेनी, बस इतना काम करना है। उसके बाद आपको एडिटिंग में जाके थोड़ा सा आपको वहां पर वॉइस ओवर करना है, और थोड़ा सा जो है आपको काटना छाटना है बस, और उसके बाद अपलोड कर देना है। और इतना करने के बाद आप अपने चैनल पर डालोगे तो आपके चैनल पर भी भर भर के व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर भी आएंगे, और आप लोग की भी अर्निंग लाखों में होगी। जैसे यहाँ पर जो मैंने चैनल आपको बताया वो लाखों में अर्निंग कर रहे हैं, मैंने आपको सबसे पहले लाइव प्रूफ अर्निंग दिखा दी। अब यहाँ पर आपने जैसे गेम डाउनलोड कर लिया, ठीक, अब इसको खेलने के लिए आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक, खेलना है और साथ में आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करना है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने जो है गेम डाउनलोड करके रखा है, तो इस तरह से आपको गेम को जो है ओपन कर लेना है, ठीक। गेम जैसे यहाँ पर ओपन हो जाए, ठीक, जैसे ही गेम खेलो तो सबसे पहले आपको स्क्रीन रिकॉर्ड जरूर करना है, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्ड आप साइड में करते रहना, ठीक, जैसे यहाँ पर साइड में मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, तो इस तरह से आपको गेम खेलना है और स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना, ठीक। स्क्रीन रिकॉर्ड करते जाना है बस, और गेम खेलते जाना। यहाँ पर देखिए जैसे मेरा गेम चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर गेम जो है यहाँ पर मेरा लोड हो रहा है, तो इस तरह से आपको लोडिंग करके गेम खेलते रहना और स्क्रीन रिकॉर्ड जो है आपको करते रहना है, बस इतना काम करोगे और उसके बाद आप लोग भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पर देखिए 16%, 17%, 18%, 20%, 24%, तो यहाँ पर हम लोग जो है परसेंट को पूरा होने देते हैं, ठीक। यहाँ पर 25% हो गया है, अब 25% के बाद यहाँ पर नेट चल रहा है, नेट को मैं बंद कर देता हूँ जिससे यहाँ पर जो है आपको थोड़ा और आसानी हो जाए। नेट मैंने यहाँ पर बंद कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए मेरा गेम आ चुका है, तो गेम आने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली से प्ले करना है, ठीक है। प्ले करके सिर्फ और सिर्फ आपको खेलना है, कैसे खेलना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक। यहाँ पर जैसे देखिए ये चल रहा है, ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने गेम को खेल लेना है, ठीक। यहाँ पर ये गेम है, इस तरह से मैंने इसको जो है प्ले किया, और यहाँ पर
बाद जो है इसको आपको पार्ट को जोड़ना है, पार्ट को जैसे पूरा जोड़ दोगे तो आपका जो है गेम चलता रहेगा। ठीक, तो इस तरह से आपको जो है अपने एक एक करके गेम को खेलते चले जाना है और खेल के सिंपली से आपको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक, यहाँ पर इस तरह से आपको सारे पार्ट को जोड़ दोगे तो आप जैसे जैसे आप खेलते रहोगे वैसे वैसे आगे गेम बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से आपको गेम को खेल के रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्ड आपने कर लिया, ठीक, पूरा गेम खेल लिया और स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया। ठीक, तो इस तरह से आपने सारा काम कर लिया। यहाँ पर मैंने देखिए गेम को पूरा खेल के स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया। ठीक, अब मैं आपको एडिट करना बताता हूँ कि आप लोग को कैसे एडिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने गेम खेल लिया, जितनी ज्यादा गेम खेलते जाओगे उतना ज्यादा आप लोग का लेवल बढ़ता जाएगा, आगे पहुंचते जाओगे और आपको केवल स्क्रीन रिकॉर्ड करना है। अब स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद आपको एडिट कैसे करना है, तो एडिट करने के लिए यहाँ पर आप लोग दो एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। ठीक है, या तो एक काइन मास्टर जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, काइन मास्टर से भी एडिट कर सकते हो, वीएन से भी एडिट कर सकते हो। ठीक, वीएन एप्लीकेशन, ये वाला एप्लीकेशन आप लोग जानते होंगे, ये वाले एप्लीकेशन से भी एडिट कर सकते हो और ये काइन मास्टर, दोनों से एडिट कर सकते हो। लेकिन काइन मास्टर को आपको जो है विदाउट वाटर मार्क डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो वाटर मार्क आएगा और वीएन पर कोई वाटर मार्क नहीं आएगा। वीएन को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे सेम काइन मास्टर के द्वारा कोई वाटर मार्क नहीं आएगा, तो दोनों से आप लोग एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको काइन मास्टर से एडिट करना सिखाता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ काइन मास्टर में। ठीक, यहाँ पर मैं काइन मास्टर में आ गया, तो काइन मास्टर में जैसे आप आओ उसके बाद आपने जो गेम अभी स्क्रीन रिकॉर्ड किया उसको सिंपली से यहाँ पर ले आना है। बस लाने के बाद आपको थोड़ा काटना छाटना है, उसके बाद जो है आपका जो है सारी चीजें हो जाएगी। जैसे यहाँ पर काइन मास्टर में क्रिएट न्यू आने के बाद 16:9 रेसियो सेलेक्ट करके आपको सिंपली से क्रिएट कर लेना। ठीक, जैसे यहाँ पर आ जाओगे तो आपने अभी जो स्क्रीन रिकॉर्ड मतलब आपने जो गेम खेला उसको यहाँ पर सिंपली से ले आना। जैसे ये वाला मेरा गेम है, ठीक, इसको यहाँ पर मैं जो है ले आता हूँ, ये मेरा गेम जो है यहाँ पर आ चुका है। ठीक, तो इस तरह से मेरा गेम आ गया है। तो यहाँ पर जैसे गेम जैसे मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये मैंने प्ले किया, तो जैसे स्टार्टिंग का कुछ बेकार पार्ट है क्योंकि मेरी जो गेम है या गेम कहाँ से स्टार्ट हुई मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरी गेम जो है ये सब पार्ट निकल गया। ठीक, जैसे मेरी गेम यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक, तो बाकी का पीछे पार्ट आपको कट करना है, तो उसके लिए करना क्या है, वीडियो पर एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको एक क्या कहते हैं नीचे एक आपको कैची वाला ऑप्शन दिख रहेगा। ठीक, ऊपर है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ऊपर एक आपको कैची वाला इस तरह से ट्रिम एंड स्प्लिट करके ऑप्शन दिखेगा, सिंपली से आपको ट्रिम कर देना है। तो देखिए वीडियो जो है दो पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ पर आपको लेफ्ट कर देना है, ट्रिम लेफ्ट कर देना, तो जो पीछे वाला पार्ट है हट चुका है। तो इसी तरह से आपको जो है गेम देख देख के आगे वाला पार्ट कुछ बेकार होगा, जैसे यहाँ पर आगे वाला पार्ट कट करना है तो वीडियो पर टैप करके सिंपली से आपको कैची वाले ऑप्शन पर जो दिख रहा है कैची वाले ऑप्शन है ट्रिम राइट कर देना है, लेफ्ट वाला पार्ट करना है ट्रिम लेफ्ट कर देना है, राइट वाला पार्ट कट करना है तो ट्रिम राइट कर देना है। तो इस तरह से आपको जो है पार्ट कट कर देना है बस। तो इस तरह से आपने जैसे यहां पर पार्ट कट कर लिया। ठीक, अब उसके बाद यहां पर जो है मेरी वीडियो में कोई वॉइस नहीं, तो यहाँ पर आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा सकते हो। अब उसके लिए आपको बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करना पड़ेगा, वो भी कॉपीराइट फ्री। तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करो विदाउट कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक या कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारे जो है बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाएंगे। तो कोई भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक आप डाउनलोड कर लो, नहीं तो यूट्यूब लाइब्रेरी से डाउनलोड कर लो, कहीं से भी डाउनलोड करो, लेकिन कॉपीराइट फ्री डाउनलोड करना। उसके बाद आपको यहाँ पर लगाने के लिए करना क्या है, आपको यहाँ पर साइड में एक दिख रहा होगा ऑडियो, ठीक है, इस तरह से आपको ऑडियो वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको ऑडियो में चले जाना है। ऑडियो में जाने के बाद पर आपने जो भी सॉन्ग डाउनलोड कर रखा होगा सारे सॉन्ग यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने जो भी सॉन्ग डाउनलोड कर रखा होगा उसको सिंपली से यहाँ पर आपको ले आना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास अभी फिलहाल कोई सॉन्ग नहीं, तो आपने डाउनलोड किया होगा तो आपका यहाँ पर देखिए इस तरह से जो भी सॉन्ग आपने डाउनलोड किया होगा सारे सॉन्ग आ जाएंगे। तो उसको यहाँ पर सिंपली से आपको टैप कर देना, जैसे आप टैप करोगे, जैसे मैंने टैप किया और प्लस वाले आइकन पर जैसे करोगे तो वो सॉन्ग यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर सॉन्ग लगाना चाहो सॉन्ग भी लगा सकते हो। और अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हो तो वॉइस ओवर तो सबसे बेटर होगा, यहाँ पर आप लोग एक स्टोरी टाइप का वॉइस ओवर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए एक तरह से गेम है और मतलब ये रोड साफ करने वाला है, तो यहाँ पर आप लोग एक स्टोरी मतलब स्टोरी टाइप की जैसे वॉइस क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कैसे, जैसे यहाँ पर दोस्तों आज हम लोग रोड को क्लीन करेंगे, ठीक, यहाँ पर एक गाड़ी है इसकी मदद से हम लोग रोड को साफ करेंगे। तो इस तरह से आपको वॉइस ओवर एक स्टोरी टाइप में करना है जिससे लोगों को देखने में और अच्छा लगेगा, बच्चे और इंटरेस्ट दिखाएंगे। और उसके लिए आपको करना क्या, वॉइस ओवर करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे एक रिकॉर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस तरह से रिकॉर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर सिंपली से टैप कर देना। टैप करने के बाद यहाँ पर आप जैसे अलाउ करोगे तो अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ी बाद देखिए स्टार्ट वाला हो गया। जैसे आप स्टार्ट करोगे तो आपकी वीडियो जो है यहाँ पर जो स्क्रीन रिकॉर्ड मतलब जो आपकी वॉइस ओवर स्टार्ट होना चालू हो गया। चलिए मैं आपको वॉइस ओवर करके भी दिखाता हूं, जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूं, तो हेलो दोस्तों आज मैं आप लोग को यहाँ पर रोड साफ करने वाली मशीन से जो है रोड साफ करना सिखाऊंगा कि कैसे रोड साफ करते हैं। तो इस तरह से जो है आपको वॉइस ओवर कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखिए वॉइस ओवर कर ली, तो इस तरह से यहाँ पर मेरी वॉइस ओवर आ चुकी है। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि वॉइस ओवर जो की क्या ही है उसको किस हिसाब से यहाँ पर करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने वॉइस ओवर किया था, ठीक, इसको मैं जो है वॉइस को यहाँ से पीछे ले आता हूँ। ठीक, आप लोग देखिए, ठीक है, यहाँ पर मैंने वॉइस ओवर किया है, किस तरह से वॉइस ओवर किया आप लोग देखिए। तो हेलो दोस्तों आज मैं आप लोग
को यहाँ पर रोड साफ करने वाली मशीन से जो है रोड साफ करना सिखाऊंगा कि कैसे रोड साफ करते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी वॉइस को एडिट कर लेना, ठीक, अपने हिसाब से जो है आपको अपनी वॉइस को एडिट करके यहाँ पर सिंपली से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। जहां पर आपको जितनी आपको वॉइस ओवर करनी उतनी सिंपली से आपको वॉइस ओवर कर देना, ठीक है। वॉइस ओवर करने के बाद अब इसको आपको सिंपली से सेव करना है। सेव करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा ऑप्शन, ठीक है, तो इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है इस तरह से आपको रेज्यूम मांगेगा, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, जो है सेटिंग उसको वैसे ही रहने देना। सिंपली से नीचे यहाँ पर आपको ऐसे लिखा होगा सेव एज वीडियो, तो इस पर सिंपली से क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो यहाँ पर देखिए सेव होना चालू हो गई। तो इस तरह से आप लोग अपनी वीडियो को सेव करके जैसे यहाँ से सेव हो जाएगी तो आपकी गैलरी में चली जाएगी, तो वहां से आप लोग सिंपली से चैनल पर डाल के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो चैनल मैंने आपको दिखाया वो चैनल इसी प्रकार से जो है यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी अर्निंग कर सकते हो। और यहाँ पर जो चैनल आ गया है इस पर आपको चेहरा भी दिखाने की कोई जरूरत नहीं, बहुत से लोग चेहरा दिखाने से घबराते हैं, तो आपको चेहरा भी दिखाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर वॉइस ओवर करना है। अगर आप लोग चाहो तो वॉइस ओवर कर सकते हो, नहीं तो बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दो बस, और सिंपली से गेम रिकॉर्ड करके अच्छे से अपने यूट्यूब चैनल पर डालो और पैसे कमाओ। तो इस तरह से आप लोग भी अर्निंग कर सकते हो लाखों में, क्योंकि यहाँ पर जो चैनल है वो लाखों में अर्निंग कर रहा है। तो इस तरह से आप लोग भी यूट्यूब पर काम करो। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के ऊपर लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल पर आपको ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड नई नई वीडियो देखने को मिलती रहती है। नए नए चैनल आइडियाज लाता रहता हूँ, यूट्यूब से रिलेटेड नई नई जानकारी आपको बताता रहता हूँ। तो अगर आप लोग यूट्यूब पर काम करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा। तो चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।